मिस्टर मलिक का एक बयान आया था कि हम आने वाली एक तारीख को कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हरियाणा सरकार का बहिष्कार करेंगे। ये मेरी सोच है, कोई भी जाट किसी भी जाट के खिलाफ बयानबाजी करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा है कितना ही छोटा है, ये कौम के हित में नहीं है। और सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए बहिष्कार का मतलब क्या होता है। ये समाज में, हमारे समाज में सबसे बड़ा एक किस्म की सज़ा या तिरस्कृत किया जाता है, वो कब किया जाता है, जबकि कोई संगीन जुर्म किया हुआ हो। मैं उदाहरण के तौर पर राम रहीम बाबा का तो नहीं लेना चाहूँगा नाम, क्योंकि एक दुनिया की कोई उसको पूछता कोई क्या करता है, मैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कोई संगीन अपराध या जघन्य अपराध किया हुआ आदमी है, उसके लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है, उसी के लिए इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बाकी नॉर्मल चीज़ों के लिए कोई आपस का डिस्प्यूट है, झगड़ा है और कोई बात है, तो आप सीधा जाइए, बात करिए, हर चीज़ का सलूशन है और सलूशन आपको मिलेगा। ये नहीं है किसी का हम बहिष्कार करें, हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल। जो ये यशपाल मलिक जी ने बयान दिया है, ये जब हमने अखबारों में पढ़ा तो हमें ये ठीक नहीं लगा, हम इससे सहमत नहीं हैं। जाट कम्युनिटी में मेरा जन्म हुआ, हम भी जाट हैं, यशपाल मलिक भी जाट हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी भी जाट हैं। तो मैं जितना समझता हूँ, जितने दिनों से हम खाप की पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, बहिष्कार किसी का जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है किसी व्यक्ति का पंचायतों में, जब बहुत घृणित काम कोई कर देता है पूरे समाज की दृष्टि में, जो घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति होता है और समाज जब उसको बुलाता है, वो बुलाने पर समाज के सामने अपना पक्ष तक भी नहीं रखता या ठेंगा दिखाता है, विरोध करता है, पूरे समाज की बात की अवहेलना भी करता है और पूरे समाज की नज़र में बहुत घृणित कार्य कर देता है, ऐसे व्यक्तियों का आखिर में बहिष्कार किया जाता है। इतना जल्दी से किसी का सामाजिक बहिष्कार कोई भी पंचायत या खाप पंचायत नहीं। और कैप्टन साहब की कोठी जड़ी है, हम सभी यदि अपने दिल पर हाथ रख के देखें, जब हमारा मकान कोई जलाएगा तो हम न्याय मांगने के लिए ऊपर तो जाएंगे ही, अदालत में भी जाएंगे, प्रशासन के पास भी जाएंगे। यशपाल मलिक ने जो बयान दिया है, हमें आज ही पता चला, पढ़ा अखबारों में, उसको अच्छी तरह से पढ़ा और उसके बारे में सोचा, तो ये तो एक परंपरा के नाते बिल्कुल गलत है। ये समाज को मतलब एक उसके अंदर ले जाया जा रहा है गर्त के अंदर, ये मतलब एक बीच में बाधा बन के, यशपाल मलिक कोई ठेकेदार नहीं है, भाई आरक्षण दुआऊँगा ना दुआऊँगा, उस सरकार का काम है जिसमें मंत्री जी भी साथ लगे हुए हैं और सारा समाज उनके साथ लगा हुआ है, और इस आरक्षण के लिए ही हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ठीक है जी। और ये बार बार कहना किसी आदमी पर प्रेशर बनाना, ये करना वो करना, ये बिल्कुल गलत है।